नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट में। दोस्तों, आज मैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बम्पर भर्ती की सूचना लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई नौकरियां स्वयं सहायता समूह में हैं, तो दोस्तों आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करूँगी जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के गठन की योजना प्रारंभ की गई है। स्वयं सहायता समूह में नौकरी। स्वयं सहायता समूह में ग्रामीण क्षेत्र में पहले से चल रहे स्वयं सहायता समूह में समूह अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, समूह सखी के अलावा एक और पद दिया जाएगा जिसका नाम होगा बुककीपर। जी हाँ दोस्तों, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत इस महिला का कार्य स्वयं सहायता समूह से संबंधित सभी रजिस्टर से संबंधित कार्यों को करना, स्वयं सहायता समूह से जुड़े साप्ताहिक वित्तीय बचत और समूह प्रत्येक बैठक का लेखा जोखा रजिस्टर में दर्ज करना, समूह से जुड़े सभी सदस्यों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करना और उनका लेखा जोखा रखना होगा। इसके लिए भारत सरकार ने इस पद पर नियुक्ति महिला के लिए 9500 प्रति माह वेतन निर्धारित किया है। यह वेतन केवल संभावित है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी अन्य महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई मासिक वेतन देने का प्रावधान नहीं किया गया। केवल इस पद के लिए चयनित महिलाओं को ही मासिक वेतन दिया जाएगा। बुककीपर पद पर नियुक्ति कैसे होगी समूह में? जी हाँ दोस्तों, स्वयं सहायता समूह में बुककीपर की पद पर नियुक्ति कैसे होगी? 2022 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूह में समूह के रजिस्टर का लेखा जोखा के कार्य हेतु भारत सरकार की तरफ से एक समूह की महिला की नियुक्ति की जाएगी। इस पद का नाम बुककीपर होगा। इस पद पर नियुक्ति भारत सरकार की तरफ से की जाएगी। जिस स्वयं सहायता समूह का ग्रेड अच्छा होगा, स्वयं सहायता समूह साप्ताहिक बचत और समूह के नियम का पूरी तरह पालन करता होगा, स्वयं सहायता समूह में से प्रमुख महिला की नियुक्ति इस पद पर की जाएगी। इस पद के लिए आवेदन। बुककीपर के लिए आवेदन तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक स्तर पर संपर्क करना होगा। नंबर दो, अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यालय पर इस पद के लिए रिक्त होने की सूचना प्राप्त करनी होगी। थर्ड है, अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर से संपर्क करके नौकरी से संबंधित फार्म को लेकर जमा करना होगा। नंबर फोर है, इसके बाद राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा आपको इस पद पर चयनित किया जाएगा। नेक्स्ट है, योग्य उम्मीदवार को इस पद के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो बुककीपर की नौकरी के लिए वेतन कितना होगा? राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत सरकार द्वारा बुककीपर नौकरी के लिए चयनित महिला को संविदा पर नियुक्ति किया जाएगा। नौकरी पर चयनित महिला पुरुष को कार्य के अनुसार वेतन दिया जाएगा। बुककीपर की नौकरी के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी प्रकार के वेतन मान का निर्धारण नहीं किया गया है। इस नौकरी के लिए वेतन स्वयं सहायता समूह के फंड से ही मिलता है। स्वयं सहायता समूह 2022 में रोजगार। समूह राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत सरकार द्वारा समूह की महिलाओं को अनेक प्रकार के रोजगार प्रदान किए गए हैं। आइए हम आपको इस में बताएंगे कि आपको क्या क्या स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आप रोजगार कर सकते हैं। नंबर एक है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप डेयरी उद्योग खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अपने जैसे कि मैंने अभी वीडियो बनाई थी कि उस पे आया था पशुओं के लिए रख रखाव के लिए भी सरकार पैसा दे रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आप उसी से संबंधित समझिए ये कि आप डेयरी उद्योग खोल सकते हैं। स्वयं सहायता समूह नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अचार उद्योग। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर पर अचार बनाकर उसे बेच सकते हैं, जिसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बेचेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अगरबत्ती का रोजगार। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ब्रेड और बेकरी का रोजगार। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दोना पत्तल का रोजगार। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से आप
अन्य रोजगार भी खोल सकते हैं, आसानी से खोल सकते हैं और अपना व्यवसाय बहुत ही बढ़िया चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।